हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। इस फिगर का इस्तेमाल करके हमें इस क्वेश्चन में दी गई सभी स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेंटर ऑफ द सर्कल, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बताना है कि सर्कल का सेंटर कौन सा है। जो पॉइंट ओ है वो सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल का सेंटर होगा ओ पॉइंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है थ्री रेडियाई। रेडियाई रेडियस का प्लूरल नाउन होता है, तो रेडियाई का मतलब है कि यहां पे रेडियस पूछी गई है। इसे मैं यहां पर लिख भी देता हूं, रेडियस। जो सेंटर का पॉइंट होता है, सेंटर के पॉइंट को सर्कल के किसी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। जो ये पॉइंट है ओ, यहां से एक पॉइंट है यहां पर ए, ओ को ए से मिलाने वाली लाइन क्या है, सर्कल की रेडियस। ऐसे ही जो पॉइंट ओ है और एक पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, सर्कल की रेडियस, यानी ओ बी क्या है, सर्कल की रेडियस। ऐसे ही ओ पॉइंट को पॉइंट सी से मिलाने वाली लाइन यानी ओ सी लाइन क्या है, सर्कल की रेडियस। तो इस सर्कल की तीन रेडियस है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तो तीन रेडियस होंगी, ओ ए लाइन, ओ बी लाइन एंड ओ सी लाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए डायमीटर। सेंटर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे उसे सर्कल का डायमीटर कहते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से एक लाइन पास करवाते हैं, ये लाइन जो सेंटर से पास होकर सर्कल के दो पॉइंट पर टच करती है, जैसे यहां पर टच करती है और एक ये इस पॉइंट पर टच करती है। मान इन सेंटर का नाम रखते हैं ओ, इस पॉइंट को मानते हैं ए और इस पॉइंट को मानते हैं बी। तो ओ ए से लेकर बी तक की जितनी ये डिस्टेंस है, यानी सर्कल के अंदर जितनी ये लाइन है, उसे कहेंगे सर्कल का डायमीटर। तो ए बी लाइन क्या है, सर्कल का डायमीटर। ऐसे ही इस सर्कल के अंदर जो ये पॉइंट है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ये ए और सी पॉइंट पर मिल रही है। जो ये पॉइंट है ओ, सर्कल का सेंटर है, जो ये सर्कल का सेंटर है ओ, उससे एक लाइन ए सी, ये वाली लाइन सेंटर के दो पॉइंट ए और सी पर मिल रही है। तो जो ए सी लाइन है वो क्या है, इस सर्कल का डायमीटर। तो ए सी क्या होगा, सर्कल का डायमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए कॉर्ड। सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को सर्कल की कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है ई और एक पॉइंट है डी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है ये। तो जो ये वाली लाइन है ये क्या है, इस सर्कल की कॉर्ड है। तो ई डी क्या होगी, सर्कल की कॉर्ड। उसी तरीके से जो हमने ऊपर किया था डायमीटर ए सी, जो ये वाली लाइन है ए सी, ये सर्कल के दो पॉइंट्स ए और सी को मिला रही है। तो ये भी क्या है, सर्कल की कॉर्ड। लेकिन हमें सर्कल की ए की कॉर्ड बतानी है, तो वो लेंगे हम ई डी। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो सर्कल का डायमीटर होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटीरियर का मतलब है इनसाइड। जो पॉइंट ओ है वो सर्कल के अंदर बना हुआ है, और जो पॉइंट पी है वो भी सर्कल के अंदर बना हुआ पॉइंट है। तो दो पॉइंट जो सर्कल के अंदर होंगे वो है
पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, यानी सर्कल के बाहर बना पॉइंट उसे कहेंगे इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट क्यू है वो सर्कल से बाहर बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट क्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए सेक्टर, दो रेडियस के बीच में बना एरिया सेक्टर कहलाता है। जो OA है वो एक रेडियस है और ऐसे ही OB एक रेडियस है, इनके बीच में जो ये शेडेड एरिया है ये क्या है, सर्कल का सेक्टर। तो सेक्टर AOB शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कहेंगे या और पोर्शन, या तो लिखेंगे शेडेड एरिया या लिखेंगे शेडेड पोर्शन। तो जो सेक्टर है AOB उसका ये अंदर का शेडेड एरिया क्या कहलाएगा, सर इस सर्कल का सेक्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए सेगमेंट, जो सेगमेंट है दो पॉइंट सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने पर जो उसके बीच में शेडेड एरिया बनता है, जैसे ये दो पॉइंट है ई और डी, इन्हें मिलाने वाली लाइन से यहां पर एक शेडेड एरिया बनता है, तो ये शेडेड एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट, सेगमेंट ईडी, सेगमेंट ईडी यहां पे लिखेंगे शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कॉर्ड, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट की थी डी ए कॉर्ड, उसमें हमने किया था जो डायामीटर होता है, जो ये डायामीटर है एसी, ये क्या है, ये इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। तो जो भी, क्योंकि जो डायामीटर है वो सर्कल के दो पॉइंट पर टच करता है जो सर्कल के सेंटर से होकर पास होता है, और सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। जैसे जो ईडी लाइन है वो एक कॉर्ड है, ऐसे ही एसी लाइन भी एक कॉर्ड है, और एसी सर्कल का डायामीटर भी है। इसलिए जितने भी डायामीटर होते हैं, मान लीजिए एक डायामीटर ऐसे बनाते हैं तो वो भी क्या होगी, एक कॉर्ड, यानी जितने भी डायामीटर होते हैं एक सर्कल के अंदर वो सभी कॉर्ड होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका आंसर आएगा यस, यस, तो इसका आंसर लिखेंगे यस। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर, तो इसका आंसर आएगा नो। इसकी हिंदी है कि एक सर्कल के अंदर जितनी भी कॉर्ड होती है क्या वो डायमीटर होती है, तो इसका आंसर आएगा नो। इसे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डायग्राम किया था उससे समझते हैं। जो ये लाइन है ईडी, ये एक कॉर्ड है, लेकिन ये सर्कल का डायमीटर नहीं है, क्योंकि जो सर्कल का डायमीटर है वो सर्कल के सेंटर से होकर पास होने वाली लाइन होती है, लेकिन जो ये लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती, लेकिन ये कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल के दो पॉइंट को मिला रही है, इसलिए ये कॉर्ड तो है लेकिन ये डायमीटर नहीं है। इसलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है इसका आंसर आएगा नो, कि सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क, एक सर्कल बनाना है और इन सभी स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले एक रफ फिगर बनाते हैं सर्कल का, ये एक सर्कल है और इसके बिल्कुल सेंटर में बना पॉइंट इसका सेंटर कहलाता है, तो इस पॉइंट को मानते हैं ओ। इट्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बताना है इट्स सेंटर या इस सर्कल का सेंटर, तो इस सर्कल का सेंटर होगा पॉइंट ओ।
इसका आंसर आएगा पॉइंट ओ। नेक्स्ट है एक रेडियस, रेडियस होती है जो ये पॉइंट है सेंटर, सेंटर के पॉइंट को सर्कल पर बने किसी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ए, तो इस सेंटर से ए को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, इस सर्कल की रेडियस। तो जो OA लाइन है वो इस सर्कल की रेडियस है। ए डायमीटर, डायमीटर होता है सर्कल के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है। एक सेंटर, सेंटर से एक लाइन पास करवाते हैं और जहां पर यह सर्कल के पॉइंट को टच करती है उस लाइन को सर्कल का डायमीटर कहते हैं। तो जो ये लाइन है BC, ये सर्कल का डायमीटर है, तो BC होगा सर्कल का डायमीटर। आगे निकालना है ए सेक्टर, दो रेडियस के बीच का एरिया सेक्टर कहलाता है। जो ये OB लाइन है ये एक रेडियस है, ऐसे ही OC लाइन भी एक रेडियस है। तो जो इसके बीच में ये एरिया है, ये पोर्शन है, जो इसके अंदर का पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, सर्कल का सेक्टर। तो ये अंदर का शेडेड एरिया क्या है, सर्कल का सेक्टर। तो ये होगा बी ओ ए शेडेड पोर्शन। ए सेगमेंट, जैसे ये एक पॉइंट है इसे मानते हैं डी और एक पॉइंट है सी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अंदर का पोर्शन, जो ये पोर्शन है शेडेड एरिया, ये क्या कहलाएगा, इस सर्कल का सेगमेंट। जहां पर सर्कल के दो पॉइंट मिलते हैं उसके अंदर का शेडेड एरिया क्या कहलाता है, सर्कल का सेगमेंट, यानी सेगमेंट डीसी शेडेड पोर्शन। ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, सर्कल के अंदर बना एक पॉइंट, तो वो होगा पॉइंट ओ। ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, जो ये सर्कल है इसके बाहर बना कोई पॉइंट, तो यहां पर एक पॉइंट बनाते हैं ई। ये जो ई पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के एक्सटीरियर में बना हुआ पॉइंट, तो इसका आंसर होगा ई। एन आर्क, जो ये बी डी पॉइंट है इनके बीच की जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं सर्कल की आर्क। तो ये होगा बी डी आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, जो सर्कल के दो डायमीटर होते हैं वे एक दूसरे को काटते हैं। तो पहले यहां पर एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से होकर सेंटर से पास होने वाली लाइन सेंटर सर्कल का डायमीटर कहलाती है। एक डायमीटर यहां बनाते हैं और एक डायमीटर और बनाते हैं, तो जो ये दोनों डायमीटर है ये इस पॉइंट पर काटते हैं, यानी जो सेंटर है उस पर काटते हैं, यानी जो सर्कल के डायमीटर्स हैं वो एक दूसरे को सेंटर पर काटते हैं। मान लीजिए एक डायमीटर और बनाते हैं, तो ये भी यहां पर सेंटर पर काटता है दूसरे डायमीटर्स को। तो सर्कल के दो डायमीटर हमेशा एक दूसरे को काटते हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, एक सर्कल बनाते हैं। इस स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो सर्कल का सेंटर है वो हमेशा सर्कल के अंदर बनता है, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, सर्कल के अंदर।
तो हमें पता है कि जो सर्कल का सेंटर है वो हमेशा सर्कल के अंदर बनता है, जो सर्कल के बिल्कुल बीच में बना हुआ पॉइंट होता है उसे सर्कल का सेंटर कहते हैं। तो जो ये पॉइंट O है ये सर्कल का सेंटर है, तो ये स्टेटमेंट भी होगी ट्रू। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 खत्म होती है और इसी के साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या चैप्टर 4 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू।